आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जयपुर बुक फेस्टिवल, जोधपुर बुक फेस्टिवल और दूसरे भव्य लिटरेरी फेस्टिवल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब बिहार के मोतिहारी में भी कुछ ऐसा ही आयोजन हो रहा है। मौका है चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष का। ये वही धरती है जहां आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। 100 साल बाद उसी चंपारण में एक बार फिर गांधी को याद किया जा रहा है। मोतिहारी में हो रहा भोर लिटरेचर फेस्टिवल उसी की एक कड़ी है। भोर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ ही फुलवरिया गांव में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। चंपारण को ब्रांडिंग करके माननीय मोदी जी पूरे देश और विश्व में उसकी चर्चा करा रहे हैं। बिहार सरकार नीतीश जी भी चंपारण को ब्रांडिंग करके राष्ट्रपति को बुला रही है। भोर लिटरेचर फेस्टिवल का मकसद महात्मा गांधी के विचार और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान से लोगों को वाकिफ करवाना है। कि मैं चाहता हूं कि चीजें डिसेंट्रलाइज हो, विकेंद्रीकृत हो, गांव तक बात पहुंचे, और गांधी की पूरी यात्रा गांव से जुड़ी हुई है, उसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहा कि गांधी की बात हम गांव तक पहुंचाएं। जिस जमीन से बापू ने आजादी की लड़ाई को नया हथियार दिया, उस इलाके में विकास को लेकर एक बड़ी शिकायत रही है, और इस आयोजन के पीछे कोशिश यही है कि चंपारण के हालात बदले। एक बेटी की शादी हो, बच्चे को पढ़ाना हो, घर में कोई बड़ा किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, तो वो जमीन बेच के ही अपना काम कर पाता है। स्वयंसेवी संस्था भोर की ओर से आयोजित इस दो दिन के कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ पत्रकार, नेता और गांधीवादी शामिल हुए। अमित मोतिहारी, इंडिया न्यूज।